जुलाई को तो कमाल का प्रदर्शन दिखाया था। 18 वर्षीय खिलाड़ी बनाम 20 वर्षीय खिलाड़ी, ये युवा शक्ति टकराने वाली है टेबल पर। अगर एक लीन एंड श्रेडेड धीरज सिंह है तो एक पावर लिफ्ट आर्यन कंदारी है। किसका दबदबा भारी पड़ेगा दूसरे पर? पहला राउंड शुरू होने जा रहा है। 5 राउंड का हर मेन कार्ड मुकाबला। दोनों ही खिलाड़ियों के पास लगभग 3 साल का एक्सपीरियंस है। धीरज थोड़े से ज्यादा इवेंट्स, थोड़े से ज्यादा टूर्नामेंट्स खेले हैं, तो शायद एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा होगा। आर्यन को अपने अर्ली मूवमेंट्स पर कंट्रोल करना होगा। पिछले मैचेस में हमने देखा काफी सारे रेफरीज ग्रिप में मूवमेंट के कारण फाउल उन्होंने किए थे, और बहुत आसानी से प्रेस लगा दी है। धीरज का कहना है कि अर्ली मूवमेंट था, लेकिन विनर करार किया गया है आर्यन खंडारी को। रिव्यू ले लिया है धीरज ने, थोड़ा सा एक अर्ली मूवमेंट जैसा कुछ नजर तो आया था। पक्का सिर्फ स्लो मोशन देखकर ही बता सकते हैं, लगा तो था कि आर्यन ने एक बार फिर से थोड़ा अर्ली मोमेंट वहां पर कुछ किया है, इसलिए शायद धीरज अपनी ताकत नहीं लगा पाए और इतनी आसानी से पिन हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि ताकत लगाने का फायदा ही नहीं है। यहां पर रीप्ले में देखते हैं, एक अर्ली स्टार्ट की बात की है, शोल्डर को अंदर को घुमा के लाए थे प्रेस के लिए। जल्दी शुरुआत हुई है या नहीं ये तय किया जा रहा है इस रिव्यू के द्वारा। काफी जबरदस्त पिन, यही पावर लिफ्टिंग की बात होती है। आर्यन कंदारी जब इस तरह इस हैवी डेडलिफ्ट्स और बेंच प्रेस स्क्वाट्स मारते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो असली हथियार है वो पहले 1 या 2 सेकंड में ही नजर आ सकता है। धीरज के लिए दूसरे तरफ जरूरी है लंबा खेलना, जितना ज्यादा वो आर्यन को रोक कर रखे उनके लिए एडवांटेजियस, उनके लिए फायदेमंद। अब जल्द हमारे मास्टर रेफरी सर्गे सोकोलोव देंगे उनका निश्चय। आकृति कंदारी आर्यन की बहन वहां, धीरज बैठे हुए हैं शांति से, आर्यन भी काफी अपने आप को संतुलित रखते हुए। कामयाब रहा वो रिव्यू, रीमैच मौका, अब रीमैच, रीस्टार्ट होगा ये राउंड। और किराक हैदराबाद के चाहने वाले बहुत खुश उस रिव्यू के नतीजे से। फिर आएंगे अब आर्यन और धीरज, क्या स्लिप में लेकर जाएंगे धीरज, लंबा खींचने के लिए स्ट्रैप में पहुंचाना चाहेंगे आर्यन को। आर्यन की इच्छा सिर्फ होगी कि पहले 1 या 2 सेकंड में पिन पैड तक पहुंचाएं धीरज को। जी हाँ, वही गलती एक बार आर्यन कहीं ना कहीं फिर से करते हुए अर्ली स्टार्ट्स की। अगर अर्ली स्टार्ट था तो एक फाउल भी हो सकता है, उन्हें मिल ही चुका होगा। अब गलती नहीं कर सकते, इस बार फेयर स्टार्ट था और इसीलिए धीरज ने एक स्लिप पा ली। पहले एक नॉर्मल प्रेस के लिए गए थे आर्यन, देखा कि उनकी कलाई पीछे मुड़ सकती है तो खुद से अपनी कलाई को पीछे मोड़ा और फ्लॉप रिस्ट की टेक्निक के द्वारा एक स्लिप पाई। यहाँ पर देखिए, पहले प्रेस के लिए गए थे, कलाई पीछे जाती देख खुद से कलाई मोड़ के और एक स्लिप पाई। अब स्ट्रैप मैच में देखते हैं, एक नॉर्मल ट्राइसेप प्रेस लगाते हैं या फिर अपनी कलाई मोड़ के पीछे फ्लॉप प्रेस टेक्निक लगाते हैं। जो उनका पहला मैच था जिसे वो हार गए थे, उसमें भी एक राउंड उन्होंने फ्लॉप प्रेस की बदौलत काफी आसानी से जीत लिया था। अपने ओपोनेंट सोनू चौरसिया को हराया था उस एक राउंड में, लेकिन फिर सोनू ने उन्हें लगातार 3 राउंड्स हराए थे। और अगर बात की जाए तो आर्यन खुद ही वो 3 राउंड्स हार गए थे लगातार फाउल्स पे फाउल्स करके। इस बार उम्मीद यही होगी कि फाउल ना करें बस। काफी दबाव उस दिन आर्यन महसूस कर रहे थे, फाउल पर हारे थे, आज वो गलती बिल्कुल दोहराना नहीं चाहेंगे। परवीन दबास यहां पर ध्यान से इस मैच को देखते हुए। स्ट्रैप में धीरज को हल्का सा फायदा हो सकता है अगर आर्यन ने अच्छी शुरुआत नहीं की। फर्स्ट फाउल, पुरानी यादें ताजा।
एक पूरा मैच आर्यन कंदारी फाउल पर ही हारे थे, एक जीते हैं दो में से अब तक। धीरज सिंह 30 जुलाई को मेन कार्ड में उन्होंने अफसल टीपी को काफी खूबसूरती से हराया था। दोनों यहां जीत कर आए हैं, कॉन्फिडेंस है दोनों तरफ। यहां पर हमारे जो मेन रेफरी हैं वो बड़े हैं टेक्निकल कमिटी के तरफ, हमारे जो टेक्निकल हेड है लक्ष्मण सिंह भंडारी, उनसे थोड़ी बातचीत करते हुए शायद वही डिस्कशन कर रहे होंगे, क्योंकि जो रिव्यू लिया था वहां पे एक फाउल तो आर्यन का ऑलरेडी हो गया था फॉल्स स्टार्ट के कारण, तो क्या ये दूसरा फाउल था ये देखना होगा। और जब आर्यन कंदारी होते हैं टेबल पर तो फाउल और उनकी बातचीत एक बड़ा विषय बन जाता है, और कहीं ना कहीं उसी बात के बारे में आप दारा सिंह दाएं तरफ आप देख सकते हैं आर्यन को समझा रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि आप ध्यान दीजिए, क्योंकि फाउल पर हम किसी भी राउंड को हारना नहीं चाहते हैं किसी भी कीमत पर। यहां फिर से स्ट्रैप में आर्यन और धीरज, शोर बढ़ रहा है, इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली तैयार है। आर्यन कंदारी, धीरज सिंह, कोच वसेल यहां पर कह रहे हैं और शोर करिए। क्या यहां हाई हुक, बाइसेप की ताकत, दारा सिंह कह रहे हैं शोल्डर को सही रखिए, स्क्वायर रखिए, सेंटर बनाए रखिए। आर्यन के लिए इन बारीकियों पर ध्यान देना बहुत जरूरी, सिर्फ 18 साल के हैं दारा, वो एक्सपीरियंस लेके आते हैं, समझा रहे हैं आर्यन को वो पिछली गलतियां नहीं रिपीट करें। दोनों के शोल्डर्स बिल्कुल स्क्वायर होने चाहिए, आमने सामने बराबर होने चाहिए, सेंटर बराबर होना चाहिए। एक बार फिर से शुरुआत के काफी करीब प्रेस लगाने की कोशिश की, लेकिन आसानी से रोक दिया धीरज ने, जो उनके फोरआर्म की लेंथ है उसकी बदौलत काफी आसानी से आर्यन की प्रेस के ऊपर से अपने हाथ को टॉप रोल करके निकाला। कोई भी मौका नहीं था आर्यन के पास वहां पे शोल्डर की मदद से, अपने ट्राइसेप्स की मदद से धीरज के हाथ को नीचे पुश करने का। बहुत ज्यादा अच्छी टेक्निक लगाई, देखिए अब प्रेशर लगाते हुए ऊपर की ओर खींचते हुए उनकी कलाई को, और यहां पर साइड और डाउन प्रेशर के साथ मैच को फिनिश किया। परफेक्टली एग्जीक्यूटेड टेक्निक, आर्यन की फ्लॉप प्रेस के लिए पूरी तरह से वो तैयार थे। लंबी रीच धीरज की वहां पर काम आते हुए, लेवरेज करते हुए उस लंबे फोरआर्म के साथ। यहां पर एक रिव्यू हमें फिर नजर आने वाला है अर्ली स्टार्ट के लिए। बहन आकृति कंदारी वहां आर्यन के साथ, 16 साल की हैं आकृति, आर्यन 18 साल के हैं। इस बड़े मंच पर आज बहुत अहम मौका, क्या अर्ली स्टार्ट यहां नजर आया है, इसी पर मास्टर रेफरी नजर रख रहे हैं। फिलहाल कोई मूवमेंट हमें तो नहीं दिख रही, क्लीन स्टार्ट है, काफी ठीक स्टार्ट नजर आया धीरज की ओर से। अपने अंगूठे और उंगलियों को भी उन्होंने खुद से बंद नहीं किया था, रेफरी के बंद करने का इंतजार किया था, तो मुश्किलें लग रहा है आर्यन की आसान कम से कम इस राउंड में तो नहीं होती दिखाई दे रही। काफी शांत है धीरज, अपनी एनर्जी प्रिजर्व कर रहे हैं। क्या कोई मूवमेंट हुआ था? The decision is here. और ये रिव्यू सक्सेसफुल नहीं हुआ, इट्स अनसक्सेसफुल। हमारे होस्ट लग रहा है आज पूरी की पूरी रोहतक राउडीज की टीम की धड़कनें बढ़ा देंगे। पहले बोल रहे थे कि सक्सेसफुल, फिर कहा नहीं हुआ, आर्यन हार गई है पहला राउंड, धीरज ने एक राउंड और एक पॉइंट की बढ़त ले ली है, प्रेशर अब होगा आर्यन कंदारी पर। दूसरे राउंड का ऐलान, क्या कोई तकनीक में बदलाव करेंगे? उनकी स्पीड को तो रोक दिया था धीरज ने स्ट्रैप्स में, क्या बिना स्ट्रैप्स के एक बार फिर से कोशिश करेंगे प्रेस लगाने की? आर्यन के लिए यहां अपनी रणनीति बदलना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ सावधानी लेना बहुत जरूरी। फाउल्स की कोई गुंजाइश नहीं है इस समय पर,
बड़े मंच पर वो जीत चुके हैं, इस तरह के दबाव को वो झेल चुके हैं, नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियन रह चुके हैं 3 साल लगातार। आर्यन को बस अपने आप पर भरोसा रखना होगा अगर यह वापसी करना चाहते हैं। स्लिप में लेकर गए हैं धीरज, स्ट्रैप आएंगे जो धीरज बेहद पसंद करेंगे। आर्यन को अपने ट्राइसेप्स को एक्टिवेट करते हुए कहीं ना कहीं टॉप रोल की कोशिश भी करनी चाहिए, खुद की कलाई नहीं खोनी है इस तरह। अगर धीरज को वो एज मिल जाती है पहले कुछ सेकंड्स में, फिर वहां से आर्यन बहुत मुश्किल में खुद को डाल रहे हैं। इस बार भी आर्यन थोड़ी कंप्लेन रेफरी से करते हुए किसी अर्ली मूवमेंट की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपना एक रिव्यू वो गवा चुके हैं। और अगर रिव्यू अनसक्सेसफुल आपका होता है उसके बाद उस मैच में आपको और आपकी टीम को कोई भी रिव्यू दोबारा से नहीं मिलता। आर्यन को भी चाहिए कि अपनी उस फ्लॉप रिस्ट प्रेस में काफी जल्दी से जाए और उस एंगल को अपने शोल्डर की मदद से ब्लॉक कर दें ताकि धीरज टॉप रोल करके वापस उनके हाथ को खोल ना पाए। पिन पैड के बहुत पास ले जाना होगा आर्यन को इस मैच को। शोल्डर्स देखिए आर्यन ने पहले से अंदर की ओर घुमा रखे हैं जिससे कि उस प्रेस में आसानी हो। रेफरी स्टार्ट तो नहीं करने देंगे इस पोजीशन में, देखिए शोल्डर्स को भी स्ट्रेट कर दिया है, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि रेडी गो के एकदम पास उस शोल्डर को घुमा के वो प्रेस टेक्निक लगाई जाए। जब हम टॉप रोल खेलते हैं तो शोल्डर्स पीछे की ओर जाते हैं, लेकिन जब हम हुक या प्रेस गेम खेलते हैं तो शोल्डर्स आगे की ओर घूमते हैं। वो ही टेक्निक एक बार फिर से कोशिश की, ब्लॉक कर दिया है थोड़ा इस बार। देखते हैं क्या रणनीति थी। एक फाउल आर्यन को मिला है, उनके हाथ शोल्डर से टच हो गए थे जो कि रूल्स के अगेंस्ट है, इसलिए फाउल मिला है। रेफरी बता रहे हैं कि अभी खुशी मत मनाओ धीरज, अभी पिन नहीं मिली है आपको, रीस्टार्ट होगा ये फाउल के बाद ये मुकाबला। शोल्डर टच होने का उन्हें एक फाउल मिला था, डिसीजन देखते हैं क्या। धीरज को चाहिए कि पिन मिल जाए उन्हें। यहाँ गर्मी बढ़ रही है दोनों कैंप्स में, आप पीछे देख सकते हैं दोनों साइड से बहस जारी है। काफी जरूरी, काफी अहम है आर्यन के लिए इस राउंड को जीतना, क्योंकि अगर धीरज 2 राउंड की बढ़त बना लेते हैं तो नामुमकिन के बराबर होगा आर्यन को वहां से वापसी करना। दोनों कैंप्स में गहमा गहमी और शोर, इस समय एक नतीजा, आर्यन कंदारी इस राउंड को यहां हार गए हैं। मेन रेफरी ने कहा धीरज सिंह आप विजेता हैं इस दूसरे राउंड के, इसके कारण थोड़ा सा वहां साफ आप देख सकते हैं रोहतक राउडीज नाखुश, लेकिन किराक हैदराबाद जश्न मना रहे हैं। इस बार थोड़ा सा उस एंगल को ब्लॉक करके रोक तो दिया था उन्होंने धीरज को, एकदम से पिन के लिए नहीं जा पाए, एक फाउल मिला था। क्या रेफरी ने वो मैच रोका था या रनिंग फाउल दिया था, ये भी इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि धीरज तो यही उम्मीद कर रहे थे कि रनिंग फाउल है तो मैच जारी रखना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने पिन भी कर दिया उसके बावजूद आर्यन को, और वहीं से कहीं ना कहीं उन्हें जीत मिली है। दारा सिंह यहाँ पे काफी निराश नजर आते हुए, तीसरे राउंड की शुरुआत हो रही है। आर्यन को कुछ ना कुछ तकनीक, चैलेंजर राउंड एक्टिवेट किया है धीरज सिंह ने। बहुत हिम्मत चाहिए क्योंकि आर्यन कंदारी के सामने इस तरह से एक्टिवेट करने के लिए बेखौफ होना पड़ता है किसी भी खिलाड़ी को। अब 10 सेकंड्स होंगे धीरज सिंह पास आर्यन को पिन करने के लिए, और अगर उन्होंने ऐसा किया 6 पॉइंट सीधा धीरज के नाम, लेकिन आर्यन कंदारी ने अगर यहां 10 सेकंड तक रोक के भी रख लिया धीरज को तो 5 पॉइंट जीत लेंगे, और जीत गए अगर आर्यन 10 सेकंड के अंदर तो 6 पॉइंट आर्यन जीत लेंगे। तीसरा राउंड आर्यन कंदारी के पास मौका, लेकिन धीरज पास 10-0 की जीत हासिल करने का मौका।
अप डाउन, बहुत मुश्किल हो सकता है आर्यन को 10 सेकंड तक ये मैच रोकना। इस बार स्ट्रैप्स में मैच स्टार्ट होगा तो स्लिप पाने की उन्हें जरूरत नहीं, कंधों को सीधा रेफरी जरूर करेंगे। अभी आर्यन ने अपना राइट शोल्डर घुमाया हुआ है, यहाँ पे फाउल की गलती नहीं कर सकते, कोई छोटी मिस्टेक की तो रेफरी वार्निंग दे देंगे, लेकिन अगर ज्यादा ही कुछ मूवमेंट किया तो सीधा फाउल भी मिल सकता है और सीधे के सीधे वो 6 पॉइंट चले जाएंगे धीरज को बिना रेडी गो के। ये चीज बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी रोहतक राउडीज की टीम में, फाउल से ये मैच बिल्कुल भी नहीं हारना चाहेंगे आर्यन। किराग को तो वो 6 पॉइंट चाहिए चाहे वो कैसे भी आए। देखिए आर्यन के शोल्डर एकदम तैयार हैं, वो एक तेज प्रेस लगाने के लिए। क्या धीरज का टॉप रोल उस एंगल को ब्लॉक कर पाएगा? बहुत ही टेंस सिचुएशन बनी हुई, प्रेशर आर्यन पर। यहां से पूरा मैच का रुख पलट सकते हैं अगर रोक लेते हैं धीरज को तो। फर्स्ट वार्निंग मिली है धीरज को, उनकी टीम रिव्यू के लिए बोल रहे हैं। गिराक हैदराबाद का कहना है कि मूवमेंट जो है आर्यन ने पहले किया था, लेकिन रेफरी का मानना कुछ और, कोई रिव्यू यहां पर नहीं लिया गया। एक वार्निंग धीरज को मिल गई है, थोड़ा केयरफुल यहां पर रहना होगा। और टॉप रोल कर दिया है, अभी किंग्सवो की तरफ गए और पिन कर दिया है धीरज ने। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस, वो फ्लॉप प्रेस काम नहीं आई आर्यन की, जीत लिया है ये चैलेंजर राउंड धीरज ने। कॉन्फिडेंस देखिए, और विजेता है ना सिर्फ 3-0 से बल्कि 10-0 से। इस मैच का रिजल्ट अपनी टीम के फेवर में लेकर